आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। तो ये अलग अलग टाइप्स हैं जिसमें हम सेक्टर्स को जो है डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको इसके बेसिस बताए हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, दिस इज मनोज जांगिर एंड यू ऑल आर वॉचिंग मनोज जांगिर क्लासेस। आज की वीडियो में मैं आपको दो एग्जाम्पल्स देना चाहूंगा यहाँ पे, सबसे पहले जो आपके बुक से लिए गए हैं, एनसीईआरटी से लिए गए हैं। तो यहाँ पे आप यू ऑल पीपल कैन सी दैट देयर इज अ एग्जांपल ऑफ कांता एंड कमल। सो एज यू ऑल कैन सी दैट कांता इज वर्किंग इन एन ऑफिस एंड शी अटेंड्स हर ऑफिस फ्रॉम 9:30 टू 5:30 व्हिच इंडिकेट्स दैट शी इज हैविंग द फिक्स टाइमिंग ऑफ ऑफिस आवर्स, बेसिकली वर्किंग आवर्स। शी गेट्स हर सैलरी रेगुलरली एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। सो रेगुलर सैलरी है यहाँ पे कांता के लिए। इन एडिशन टू सैलरी शी ऑल्सो गेट्स प्रोविडेंट फंड एज पर द रूल्स लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट। सो सम अदर फैसिलिटीज आर ऑल्सो अवेलेबल। शी ऑल्सो गेट्स मेडिकल एंड अदर अलाउंसेज। सो मेडिकल केयर फैसिलिटीज ऑल्सो अवेलेबल टू हर। कांता डज नॉट गो टू ऑफिस ऑन संडेज। सो पेड लीव है यहाँ पे, मतलब आपको काम पे जाने की जरूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स को मिलती है ये, काफी एमएनसी वर्कर्स को भी मिलती है और ऑर्गेनाइज सेक्टर में हर किसी को मिलती ही मिलती है अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं तो। दिस इज अ पेड हॉलीडे एज आई टोल्ड यू। व्हेन शी जॉइंड वर्क शी वॉज गिवन एन अपॉइंटमेंट लेटर स्टेटिंग ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ वर्क। सो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो सारे रिटन में होते हैं। और ये तो सिचुएशन थी कांता की। लेट अस टॉक अबाउट द सिचुएशन ऑफ कमल। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, कमल इज नॉट हैविंग अ वेरी गुड जॉब एंड ही इज नॉट हैविंग द वेरी गुड कंडीशन वर्किंग एनवायरमेंट ओवर हियर। वेर इज कांता, अगर आप देखोगे तो ऑफिस में एनवायरमेंट अच्छा ही होता है, वर्किंग एनवायरमेंट बहुत अच्छा होता है। सो इफ आई टॉक अबाउट कमल, देन कमल इज कांताज नेबर। ही इज अ डेली वेज लेबरर इन अ नियर बाय ग्रॉसरी शॉप। ही गोज टू द शॉप एट 7:30 इन द मॉर्निंग एंड वर्क टिल 8, सो ऑलमोस्ट 11.5 घंटे, नॉट फिक्स टाइम इन द इवनिंग। He gets no other allowances apart from the wages. So, कोई allowances नहीं मिलते हैं। He is not paid for the days he does not work. So, no paid holidays are there. He has therefore no leave or paid holidays. Nor was he given any formal letter saying that he has been employed in the shop. So, कोई written conditions वहाँ पे नहीं होती हैं। He can be asked to leave anytime by the employer. So, basically the employer is the king of the shop and it depends on him that अगर वो काम करवाना चाहता है तो वो करवाएगा, अदरवाइज ही कैन फायर हिम एनी टाइम फ्रॉम द जॉब। सो बाई टेकिंग क्यू फ्रॉम दिस स्टोरी वॉट यू पीपल हैव अंडरस्टूड। सो यहाँ पे लाइक आई हैव मेड अ टेबल एंड आई हैव गिवन द पैरामीटर्स ऑफ डिफरेंसेज एंड आई हैव रिटन हेयर इन द सेकेंड कॉलम ऑर्गेनाइज सेक्टर, इन द थर्ड कॉलम आई हैव रिटन हेयर अनऑर्गेनाइज सेक्टर। मीनिंग की बात करते हैं सबसे पहले। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर। सो ऑर्गेनाइज सेक्टर कवर्स दोज एंटरप्राइजेस और प्लेसेस ऑफ वर्क वेयर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर एंड द वर्क इज अश्योर्ड। सो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो रिटन होती हैं एंड द वर्क नेचर ऑफ द वर्क इज रेगुलर एंड द वर्क इज अश्योर्ड एज वेल। इसके बाद अगर हम बात करें तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर कवर्स दोज एंटरप्राइजेस और प्लेसेस ऑफ वर्क वेयर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर नॉट written and the work is not of regular nature and it is like the work is not assured as well. तो पक्का नहीं कि आपको काम मिलेगा ही मिलेगा every day. It's not sure. Fine. It's not written. The written documents are not there. So ये पहला difference हो सकता है meaning का organized और unorganized sector में। Terms of job भी यहाँ पे अगर हम बात करें organized sector की तो वहाँ पे written और prefixed होती हैं, जबकि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टर्म्स ऑफ जॉब तो वो ना तो रिटन होती हैं और ना कोई फिक्स्ड होती हैं। रजिस्ट्रेशन इज द थर्ड पैरामीटर। तो रजिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड हैव टू फॉलो इट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर होती हैं और फॉलो करने पड़ते हैं सारे के सारे रूल्स। अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो दीज आर स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। सो यहाँ पे रूल्स अप्लाई होना या ना होना एम्प्लॉयर पर डिपेंड करता है। The fourth is compliance to various laws. Various laws such as the Factories Act, Minimum Wages Act, Payment of Gratuity Act, and other acts are followed in case of organized sector. यहाँ पे organized sector में ये सारी की सारी चीजें follow
होती हैं, वेयर एज नो सच लॉज आर फॉलोड अंडर अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इस तरीके की कोई चीज फॉलो नहीं होती है। चलिए बात कर लेते हैं सिक्योरिटी की। ऑर्गेनाइज सेक्टर में देयर इज अ सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट की, पक्का आप काम पे आए हैं, एम्प्लॉय किया है हमने आपको, तो आपको फायर कभी भी नहीं किया जा सकता बिना किसी रीजन के। वेयर एज देयर इज नो सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, बिकॉज कभी भी आपको बोला जा सकता है कि आज से आपको काम पे नहीं आना। ओवरटाइम की बात करें, ऑर्गेनाइज सेक्टर में हमेशा ओवरटाइम दिया जाता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में दिया भी जा सकता है, नहीं भी दिया जा सकता, और ज्यादातर नहीं दिया जाता। वर्किंग आवर्स की अगर हम बात करें तो फिक्स्ड होते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में एज इन केस ऑफ कांता, जबकि वर्किंग आवर्स आर नॉट फिक्स्ड अंडर अनऑर्गेनाइज सेक्टर इन द केस ऑफ कमल। अदर बेनिफिट्स, दे गेट पेड लीव पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी एटसेट्रा, दे आर सपोज टू गेट मेडिकल बेनिफिट्स एंड अदर अंडर दिस अंडर द लॉज, वेयर एज नो सच बेनिफिट्स आर प्रोवाइडेड टू द पीपल दोज आर वर्किंग अंडर अनऑर्गेनाइज सेक्टर। वर्किंग कंडीशंस की अगर हम बात करें तो वर्किंग कंडीशंस बहुत अच्छी होती हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में दे मे बी गुड, मतलब डिपेंड करता है, हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, इट्स नॉट श्योर। सो ये जो है पूरा डिफरेंस था ऑर्गेनाइज सेक्टर में और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसको जो है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, हम उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। अगर हम बात करें लोगों की, अगर हम बात करें द पीपल दोज आर वर्किंग अंडर अनऑर्गेनाइज सेक्टर, सो इफ दे आर लाइक द एम्प्लॉयर्स आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स एंड द कंडीशंस विच आर लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट, तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। तो हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। सो वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर आर यूजली एक्सप्लॉयटेड एंड आर नॉट पेड फेयर वेजेस बाय द एम्प्लॉयर्स। दे अडॉप्ट सच स्ट्रैटेजीज टू इवेड टैक्सेस एंड रिफ्यूज टू फॉलो लॉज दैट प्रोटेक्ट लेबरर्स। Their earning are low and not regular. तो इस तरीके की चीज़ें जो है common है, people to you know to evade tax, people are always ready, वो payment जो है कुछ और देते हैं, books of accounts में कुछ और दिखाते हैं, let's say आप 10,000 दे रहे हैं लेकिन 20,000 दिखा रहे हैं वहाँ पे, तो इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके का exploitation जो है common है। इन द रूरल एरियाज अगर हम बात करें तो दोनों अलग अलग सेक्टर्स की हम बात कर लेते हैं पहले। इन द रूरल एरियाज द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर मोस्टली कंप्राइजेज ऑफ लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, शेयर क्रॉपर्स एंड आर्टिसन सच एज वीवर्स, ब्लैक स्मिथ्स, कारपेंटर्स एंड गोल्ड स्मिथ्स। नियर 80% ऑफ रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया आर इन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स कैटेगरी। सो रूरल एरिया में काफी सारे जो लोग हैं वो छोटा छोटा काम करते हैं, एग्रीकल्चरल लेबरर्स होते हैं, कुछ आर्टिसन होते हैं, तो 80% जो है रूरल हाउस होल्ड का इंडिया में जो है वो बहुत छोटे फार्मर्स होते हैं और मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, मतलब लैंड होल्डिंग जिनकी इतनी अच्छी नहीं है। सो दीज फार्मर्स नीड टू बी सपोर्टेड थ्रू एडिक्वेट फैसिलिटी फॉर टाइमली डिलीवरी ऑफ सीड्स। तो अगर गवर्नमेंट इतना कुछ उनके लिए, इफ गवर्नमेंट कैन मेक दम अश्योर ऑफ टाइमली डिलीवरी ऑफ सीड्स, कि सीड्स आपको टाइम पे मिलेंगे, एग्रीकल्चरल इनपुट्स अगर और भी कुछ चाहिए तो वो टाइम पे मिलेगा, क्रेडिट जो है आपको जो है वो एक अच्छी और रीजनेबल रेट पे अगर आपको मिलेगा, स्टोरेज फैसिलिटीज अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा सकती है और मार्केटिंग आउटलेट्स अगर खोल सकते हैं जहां पे वो अपनी मतलब जो प्रोड्यूस है उसको एक अच्छे प्राइस पे बेच पाएं, तो ये दीज स्टेप्स कैन बी टेकन बाय द गवर्नमेंट टू अवॉइड द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रूरल बेसिकली लेबरर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड आर्टिसंस। तो ये स्टेप्स जो हैं वो गवर्नमेंट ले सकती है उनके राइट्स को सेव करने के लिए। आफ्टर दैट इफ आई टॉक अबाउट लाइक लेट अस टॉक अबाउट द अर्बन एरिया। So in the urban areas, unorganized sector comprises mainly of workers in small scale industry. तो small scale industry के workers के हम यहाँ बात करते हैं, उसके साथ साथ casual workers आते हैं in construction, जिनका काम regular नहीं होता उनको casual workers बोलते हैं, तो casual workers of construction, trade and transport etc. And those who work as street vendors, जो street vendors होते हैं उनका भी जो है काम इतना अच्छा नहीं होता है, वो भी unorganized sector में आते हैं। स्ट्रीट वेंडर्स, हेडलोड वर्कर्स, गारमेंट मेकर्स, रैक पिकर्स एटसेट्रा। सो दीज आर द पीपल दोज हू कम अंडर लाइक यू नो अर्बन एरिया एंड दे आर यू नो अंडर दे आर वर्किंग अंडर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। सो वट गवर्नमेंट कैन डू फॉर देम इज़
Small scale industries also need government support for procuring raw material and marketing output. So government can make sure that, you know, it can establish SSI, small scale industries, for them, so that they can easily get the if the government will support them, they would be able to they will feel confident, and they can get the raw material easily. Then they can market their goods. They can sell their output in the market as well. तो यहाँ पर उनकी इनकम को अर्न किया जा सकता है इस तरीके से. इसके बाद अगर हम बात करें तो कैजुअल वर्कर्स इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज नीड टू बी प्रोटेक्टेड. ये बात तो हम कहते ही आ रहे हैं कि दोनों को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, एंड दिस इज दी वन ऑफ दी बेसिकली यू कैन से द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट कि उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए. सो वन मस्ट रिमेंबर दैट प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स इज नेसेसरी फॉर बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट of the economy. So आज के लिए सिर्फ इतना ही. अगर आपको इसमें कोई doubt है, कोई problem है, तो आप मुझे comment box में comment करके बता सकते हैं. We would love to hear from you कि आपको video कैसे लग रहे हैं. आप लोग comment नहीं करते हैं, तो एक humble request आप लोगों से, please do like and comment on this video so that we can come across this thing that how you are feeling, how you are getting help from such kind of educational videos. और new subscribers के लिए मैं कहना चाहूँगा, new viewers के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप subscribe का बटन दबा के हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं. Don't forget to press the bell icon. देखिए bell icon को आप दबाएंगे तभी notification आएगी, वरना notification नहीं आएगी मेरे latest videos की. और बहुत जल्दी मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ एक important questions का section chapter wise. और तब तक के लिए we need your love. Keep watching my channel. Thank you all of you. See you in my next video. Thanks all.